अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी ये मिनी व्लॉग है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटा सा व्लॉग बनाया मैंने आप लोगों के लिए। ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ ले आए थे, तो यहाँ पर अभी मैं स्ट्रॉबेरीज़ को धो रही थी। इनको मैंने कहा धो वगैरह के अच्छी तरह से रख देती हूँ और उनको फ्रीज कर दूँगी, जब भी कभी दिल करा मिल्क शेक वगैरह अफ्तार के लिए तो मैं वो बना के जो है वो रख दिया करूँगी। तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह को वॉश कर रही थी। देखें कितनी अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं मार्केट में, बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं। तो और अभी सीज़न भी है स्ट्रॉबेरी का, क्योंकि बस अब थोड़े टाइम बाद स्ट्रॉबेरी का सीज़न आई थिंक सो जाने वाला है, शायद मैं सही हूँ, मुझे बताइएगा। तो खैर अभी जितना हो सकता है तो यूज़ कर लें, इसके इसका जूस बनाएं, इसके शेक्स बनाएं और अच्छी अच्छी तरीके और मतलब कस्टर्ड्स बनाएं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप स्ट्रॉबेरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और इफ्तारी की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर मैंने आज बनाया था लज़ानिया, ये अंदर बेक हो रहा था और बड़े ही मज़ेदार से लज़ानिया बना था। इंशाल्लाह इसकी फुल रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और यहाँ पर जो है वो लज़ानिया बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो जी लज़ानिया यहाँ पर रेडी हो गया था, बिल्कुल अच्छी तरह से ये बेक हो गया था, बहुत ही मज़ेदार से ये लज़ानिया बना था। इसके बाद हम लोग चले गए थे अफ्तारी वगैरह करने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो राउंड मारने चलते हैं। तो हम लोग बस थोड़ी सा अफ्तार वगैरह करने के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग चले गए थे राउंड मारने के लिए। और बस घर में बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो रहे थे और तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा राउंड मार कर आते हैं। तो एक लॉन्ग ड्राइव नहीं, एक शॉर्ट ड्राइव लेके आते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग बाहर आ गए थे। इसके बाद जी यहाँ पर हो गया था नेक्स्ट डे और सीधा चलते हैं अफ्तार की तरफ। यहाँ पर अभी तैयारियाँ हो रही थी अफ्तार के लिए, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प करने किचन में आ गए थे, बर्गर्स बना रहे थे। वो कहते सब कुछ तुमने बना दिया है, मतलब फिलिंग वगैरह सब तैयार करती है, चलो अब मैं बर्गर्स को रेडी करता हूँ। तो यहाँ पर अभी जो है वो बर्गर सीख रहे थे, देखें कितने प्रोफेशनल तरीके से सीख रहे हैं, क्योंकि अभी वो वेकेशंस पे आए हुए हैं। तो यहाँ पर वो जो है मेरी हेल्प करवा रहे थे। तो खैर यहाँ पर अभी ये चिकन, ये मैंने घर के बर्गर्स बनाए थे, ये मलाई बोटी की जो है रेसिपी से बनाए थे। मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था और फिर हालांकि मेरे पास पैटी रखे हुए थे कैनन्स के, लेकिन मैंने वो नहीं बनाया, मैंने आज अपना, मैंने कहा हम अपने बनाते हैं। इसके साथ साथ जी ये दाल बन रही थी, दाल पालक थी सहरी के लिए, हम लोगों ने दाल पालक वगैरह बना लिया था, क्योंकि फिर सहरी में और फिर बच्चे भी घर पर होते हैं तो उनके लिए भी खाना वगैरह चाहिए होता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है, क्योंकि बच्चों का रोज़ा नहीं होता तो हम लोगों ने दाल पालक बना ली थी। इसके साथ साथ जी बस अफ्तार का जो है वो टाइम हो गया था, यहाँ पर हमने सबने अफ्तारी करी बैठ कर। और अभी देखें अभी जो है वो टाइम हो रहा था 3:30 और वो जो बर्गर बनाने की क्लिप है ना वो उसके बाद की है, तो वो बिल्कुल अफ्तार से थोड़े टाइम पहले ही जो है वो थोड़े टाइम पहले ही बनाई थी। तो खैर जी बस यहीं तक था मेरा जी ये आज का एक छोटा सा ब्लॉग, आई होप कि मिनी ब्लॉग था, ये अफ्तार का टाइम हो गया था, ये मिनी ब्लॉग था, आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आऊँगी अब एक और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसकी दो कप खुली, मैं करूंगी ना। हाँ खुल गई, क्या हो गया? भाई यार मैंने नहीं दिखाई दी, आज दो आए यार, बख्तार ये बेईमानी कर रहा है यार, दो दो तीन एक। ए चॉकलेट खाइए ना यार, ये थोड़ा सा हटाना इसको, ये फाड़ना, हाथ खराब हो रहे हैं यार, वैसे भी हो रहे हैं, ये भी वैसे भी कर लो। ये फ्रेंड्स मेरी, क्योंकि थोड़ा डाइट चल रहा है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अभी हमको चमचा नहीं पिया, हम लोग हाथों से खाएंगे।
ले आओ चम्मच।